आज की कंप्लीट कॉन्वर्सेशन आप सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखिए, मैं जिनके साथ बैठा हूं, आई एम वेरी श्योर आप में से काफी लोग इन्हें ऑलरेडी पहचानते होंगे। जो नहीं पहचानते उनको मैं बता देता हूं, ही इज प्रॉपर्टी किंग ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ अगर जब हम इनका सोशल पार्ट जानेंगे कि ये क्या कर रहे हैं और इनका ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया से डायबिटीज को हटा दिया जाए, आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, बाय करने का सोच रहे हैं, लाइफ में कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है या प्रॉपर्टी एज एन एसेट क्लास का कुछ भी गुण जानना चाहते हैं, तो आज की कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। सबसे पहले वेलकम करते हैं सर का। सर, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। माय प्लेजर। सर, पहला क्वेश्चन ये होगा यहाँ पे, अभी ऑफ लेटली क्या हुआ है इंडिया में, पिछले 10-15 सालों में रियल एस्टेट एज एन एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करी है। हमें सभी को पता है, जब हम कवर को कंपेयर करते हैं इक्विटी से या फॉरेन इक्विटी से, हमें लगता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट ने बहुत आउट परफॉर्मेंस दी है। अब यहाँ से क्या व्यू है और उस व्यू का कारण क्या है? जरूर आपकी बात सही है कि परफॉर्मेंस कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, लेकिन एक ध्यान में रखा जाए कि रोटी कपड़ा मकान, जब तक लोगों को रोटी कपड़ा और मकान सही तरह से लाइफ लॉन्ग नहीं मिले, तब तक वो कोई भी ऐसी चीज को अंडरमाइन करना नहीं चाहिए। आप रिटायर होते हैं, आजकल सब लोग की जिंदगी बहुत लंबी रहती है और खुदा न खास्ता अच्छी बात है कि ये लोग की जिंदगी ज़्यादा रहे, लेकिन उस उम्र में फिर घर नहीं हो और किराए बढ़ते जाए या घर घर से भटकते जाए कि यहाँ हमें किराए का मकान खाली करना है या कोई प्रॉब्लम हो वो मकान में, या किराए इतने ज़्यादा बढ़ जाए कुछ भी समय पर, क्योंकि कोई कोई एरिया में डेवलपमेंट हो जाती है तो वहाँ किराए डबल ट्रिपल चौगुल भी हो जाता है, जैसे पवई में हो रहा है, तो फिर आप अफोर्डेबल नहीं कर सकते जो घर में आपको आदत हो गई। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एटलीस्ट हिंदुस्तान में आपको घर लेने के अलावा कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। हाँ ठीक है, आपके जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो सही है कि वो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है, लेकिन आज के तारीख में जो कम भाव में या कम ब्याज में आपको घर मिल रहे हैं, वो एक्चुअली इट इज़ अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट। नंबर टू, आपको लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में घर के लिए मिल रहा है, और 15-20 साल के लोन, कोई भी जो आपके पास नई नौकरी मिली, आप 25 साल के हैं या कोई आईटी का नौकरी है, तो आप घर खरीदेंगे, छोटा घर खरीदिए, 1 स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदिए और आप इंस्टॉलमेंट देते जाइए, आपको 15-20 साल का लोन मिल सकता है, और आज की तारीख में 8.5% में, लेकिन एक साल पहले आप देखा जाए तो 6.5% में आपको मिलता था और इनकम टैक्स में रिबेट मिल रहा है। तो ये सब आप कैलकुलेट करते जाएंगे तो ये ओवरऑल देखा जाए, अच्छा मिनिमम इन्फ्लेशन रेट 5-6% है, तो ये भी बात आप देखें कि कल उठ के किराए का भी इन्फ्लेशन हो जाएगा या घर के दाम भी इन्फ्लेशन हो जाएगा, तो ये इन्फ्लेशन रिलेटेड है। और ठीक है, ये लास्ट 5-6 साल में घर के दाम नहीं बढ़े, लेकिन आप कोई भी गारंटी नहीं दे सकते कि आगे 10 साल में नहीं बढ़ेंगे। लास्ट एक साल के अंदर 10-12% तो भाव बढ़ गए हैं, मैं हमारे सब जो मकान हम बेच रहे हैं वो 15% पर बढ़ गए, बट एवरेज देखा जाए तो 10% तो हर जगह बढ़ गए। अफोर्डेबल हाउसिंग भी 10-12% बढ़ गए और मेरे अंदाज से इस साल फिर बढ़ेंगे क्योंकि इनपुट कॉस्ट सब बढ़ गए। तो इसलिए ये कहना कि आप घर नहीं खरीदें, आई थिंक इन फॉर इंडियन जो हिंदुस्तानी है उसको एक अन्याय हो जाएगा और उनको ये राय देते हुए एक गलत होगा। लेकिन सही है कि आप कुछ बैलेंस कर सकते हैं, इन्वेस्टर कैपिटल मार्केट्स में भी कर सकते हैं और इसमें भी करने की आवश्यकता है।